नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सरकारी कार्यालयों में 100% कर्मचारियों की रही उपस्थिति, टीकाकरण कोविड प्रोटोकॉल का हो पालन, घरेलू कलह में सामाजिक कार्यकर्ता ने की खुशखुशी। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। सरकारी कार्यालयों में 100% कर्मचारी की रही उपस्थिति। सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की 100% उपस्थिति का निर्देश भी सरकार ने दिया है। जिले सहित राज्य में कोविड संक्रमण धीरे धीरे कम हो रहा है, इसे देखते हुए राज्य सरकार ने कुछ प्रतिबंधों पर ढील दी है। इसी के तहत सरकारी कार्यालयों में कर्मचारी की 100% उपस्थिति का निर्देश भी सरकार ने दिया है। 1 जून से जिले के सभी सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की 100% उपस्थिति है। उल्लेखनीय है कि मार्च व अप्रैल महीने में कोरोना संक्रमण का प्रकोप बढ़ गया था। जिले में संक्रमित रोगियों की संख्या व मृत्यु के आंकड़े को देखते हुए सरकार ने 50%, 15% और 5% कर्मचारियों की उपस्थिति के निर्देश दिए थे। वही कोरोना की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला परिषद कोषागार कार्यालय ने भी लॉकडाउन लगा दिया था, साथ ही नागरिकों के प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई थी। सिविल लाइंस परिसर में सरकारी कर्मचारियों की भीड़भाड़ थम गई थी, वही कोविड संक्रमण धीरे धीरे कम होता गया और सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति बढ़ती गई। अब कार्यालयों में नागरिकों का प्रवेश भी बढ़ गया है, कर्मचारी अधिकारी पूरी क्षमता से काम पर लग गए हैं। मंगलवार को सिविल लाइन परिसर के कार्यालय में काफी चहल पहल देखने को मिली। परिसर में वाहनों की संख्या भी काफी नजर आई। सरकारी कार्यालय में 100% कर्मचारियों की उपस्थिति थी, दफ्तरों में फिर एक बार लोगों की भीड़ दिखाई दी। तो वही दूसरे टीकाकरण कोविड प्रोटोकॉल का हो पालन। जिलाधिकारी ने टीकाकरण का 100% लक्ष्य हासिल करने एवं कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए हैं। जिले के शहरों में कोविड संक्रमण को नहीं बढ़ने का लक्ष्य तय कर जिलाधिकारी ने टीकाकरण का 100% लक्ष्य हासिल करने एवं कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए हैं। वे जिले के 8 नगर परिषदों के हालात की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में बोल रहे थे। ठाकरे ने एक ही दिन में बुट्टीबोरी, हिंगना, वाना डोंगरी, वाड़ी, सावनेर, खापा, मोहपा, कलमेश्वर नगर परिषद पहुंचकर हालात की समीक्षा की। उन्होंने मानसून पूर्व तैयारी की समीक्षा कर कोविड की तीसरी लहर को रोकने के लिए की जा रही तैयारियां का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कोविड टीकाकरण पर काफी जोर दिया। तो वही तीसरी और घरेलू कलह में सामाजिक कार्यकर्ता ने की खुदकुशी। घरेलू कलह में सामाजिक कार्यकर्ता ने फांसी लगाकर जान दे दी। यह घटना मंगलवार की सुबह लकड़गंज के छापरू नगर कॉलोनी में हुई। मृतक 45 वर्षीय शंकर भगवान दास सुगंध है। सुगंध सामाजिक गतिविधियों में काफी सक्रिय रहते थे। उनके परिवार में पत्नी और 2 बच्चे है। पत्नी के साथ सुगंध की काफी समय से अनबन चल रही थी। पत्नी सुगंध की बेरोजगारी से त्रस्त थी, इस वजह से वह पड़ोस में ही स्थित मायके में रहती थी। वह घर का अधिकांश सामान भी साथ ले गई थी। पत्नी के मायके जाने के बाद से विवाद बढ़ गया था। पत्नी ने लकड़गंज थाने में शारीरिक तथा मानसिक यातनाएं दिए जाने की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने उन्हें भरोसा सेल जाने की सलाह दी। एक दिन पहले ही सुगंध दंपति भरोसा सेल गए थे। पत्नी ने घर खर्च नहीं देने तथा प्रताड़ित करने की शिकायत की। सुगंध ने भरोसा सेल में तलाक लेने से इनकार करते हुए पत्नी तथा बच्चों के साथ रहने की इच्छा जताई थी। भरोसा सेल द्वारा सुलह कराए जाने पर सुगंध दूसरी बैठक के लिए 1 माह बाद आने के लिए तैयार हुए। उन्हें 9 जुलाई को दूसरी बैठक के लिए भरोसा सेल बुलाया गया था। इस बीच सुगंध ने पत्नी को मोबाइल पर मैसेज भेजकर फांसी लगा ली। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।